दिल्ली लीकर स्कैम केस में गिरफ्तार हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ईडी द्वारा की गई अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। जी हां, इसी याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा था कि वह चुनाव प्रचार को देखते हुए केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर विचार कर रहे हैं। वहीं उसी जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। उन्हें 1 जून तक जेल से बाहर रहने के आदेश दिए हैं और 2 जून को उन्हें सरेंडर करना होगा। केस से संबंधित कोई भी बयान देने के लिए कहा गया है। आपको बता दें हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। वही अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी के समय को गलत बताते हुए इसे चुनौती दी थी और तब हाई कोर्ट ने कहा था कि आप लगातार समन देने पर भी पेश नहीं हुए थे तो ईडी के पास यह अंतिम विकल्प था और यह कहते हुए अदालत ने अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी थी। अब केजरीवाल के जमानत पर उनके लॉयर ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। मौखिक ऑर्डर कोर्ट ने प्रनाउंस किया, उसमें कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी को 20 दिन के लिए इंटरिम बेल दी जा रही है 2 जून तक और कोई कैंपेनिंग के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो क्या कह सकते हैं या क्या नहीं कह सकते हैं उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं की गई है। जबकि जब ऑर्डर भी प्रनाउंस किया जा रहा था तब भी ईडी ने रिक्वेस्ट किया कि कोई रिस्ट्रिक्शन डाली जाए लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है और 2 जून को उन्हें 2 जून तक की ये मोहलत दी गई है इंटरिम बेल की। अब इंग्लिश अंग्रेजी में बोलता हूँ। और अभी जितना ओरली बोला गया है ओरली ऑर्डर में और कोई कंडीशन नहीं है लेकिन हमें लिखित ऑर्डर देखना होगा कि और कोई कंडीशन है या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इस ऑर्डर जब ये अपलोड हो जाएगा और अवेलेबल हो जाएगा इसके बेसिस पे ट्रायल कोर्ट रिलीज का ऑर्डर पास करेगा। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आज ही हो जाए, वो हमारी कोशिश रहेगी कि अरविंद जी आज ही रिलीज हो जाए, वो जल्द से जल्द रिलीज हो जाए और आज ही रिलीज हो जाए।